यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वही नोएडा के थाना फेज टू में 8 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि क्यू इवेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जनरल मैनेजर को कार सवार 3 बदमाशों ने ओवरटेक कर रोक लिया और हथियार के बल पर 8 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि जनरल मैनेजर रितिका कंपनी में सैलरी बांटने के लिए रुपए लेकर आई थी। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जनरल मैनेजर के ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर लुटेरों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। तो आपको बता दें कि नोएडा का यह पूरा मामला है जहां पर हथियार के बल पर 8 लाख रुपए लूटने का मामला सामने आया है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यू इवेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जनरल मैनेजर के साथ में ये लूटपाट की गई है। साथ ही आपको बता दें कि मामले की जांच में पुलिस फिलहाल जुट गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, छानबीन शुरू कर दी है। घटना पीछे जो कंपनी है क्यू इवेंट करके कंपनी है, रितिका अरोरा इसकी डायरेक्टर है और ये दिल्ली में रहती है। दिल्ली से कंपनी आ रही थी, यहीं से लगभग 500-700 मीटर आगे से एक गाड़ी इनकी गाड़ी के सामने भड़ाया उन्होंने और उसमें से 3 बदमाश उतरे और उन्होंने सीधे इनसे कैश की डिमांड की। शीशा तोड़ दिया गाड़ी का और जो कैश इनके पास था बैग में वो लेकर के वो चले गए।